भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे लोकतंत्र का प्रहरी है हमारा संविधान। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान संसद को सौंपा था। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त है। आज हम 26 नवंबर को बाबा साहब के योगदान का स्मरण करते हुए संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि यह 2015 में आरंभ हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन के महत्व को समझते हुए कहा कि संविधान दिवस मनाना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान को समझने के लिए इसकी प्रस्तावना को समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। परंतु इतिहास ने वो समय भी देखा जब सत्ता में बैठे लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहब के सम्मान के विपरीत जाकर इसकी प्रस्तावना को भी संशोधित किया। 1976 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता के साथ ही सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया और कालांतर में वामपंथियों से लेकर तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इस सेक्युलर शब्द को हथियार बनाकर देश की संस्कृति का जितना तिरस्कार किया, वो आज सबके सामने है। संशोधित नागरिक अधिनियम के समय देश ने देखा कि किस प्रकार टुकड़े टुकड़े गैंग और तथाकथित सेक्युलरों का गठजोड़ देश विरोधी शक्तियों के साथ सड़कों पर उतरा और उस संविधान को हाथों में उठाकर नारेबाजी की, जिसमें उनकी रत्ती भर भी आस्था नहीं है। ठीक ऐसा ही दृश्य तब देखने को मिला जब धारा 370 को हटाकर कश्मीर समस्या का समाधान किया गया। तब संविधान की दुहाई देने वाले लोग आज तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए अब चीन से गुहार लगा रहे हैं और गुपकार जैसे गिरोह बनाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। आज आवश्यकता है उन लोगों को पहचानने की जो संविधान के नाम पर संविधान विरोधी और देश विरोधी लोगों के साथ हैं, साथ ही उन लोगों के साथ खड़े होने की जो संविधान के सम्मान के लिए पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिबद्ध हैं। और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई समझौता नहीं करते। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।